नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। सहारनपुर के नगर विधायक राजीव गुंबर के द्वारा जिला अस्पताल पहुंचकर निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल के डॉक्टरों समेत अस्पताल में आए लोगों से भी बातचीत कर सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान जिला अस्पताल में कई कमियां मिलने पर कार्यवाही करने की बात कहते हुए स्वास्थ्य योजनाओं के सही ढंग से क्रियान्वयन कराने का निर्देश दिए गए। सहारनपुर में आज नगर विधायक राजीव गुंबर ने जिला अस्पताल पहुंचकर निरीक्षण कर जिला चिकित्सालय में मिल रहे उपचार और अन्य सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। नगर विधायक राजीव गुंबर ने कहा कि पिछले कई दिनों से यह चुनावी व्यवस्था में व्यस्त थे, लेकिन लगातार जानकारी मिल रही थी कि जिला अस्पताल प्रशासन बहुत लापरवाही से काम कर रहा है। जिला अस्पताल प्रशासन के द्वारा सिटी स्कैन मशीन खराब पड़ रही, एक्सरे मशीन खराब रही है। उन्होंने कहा कि निरीक्षण के दौरान मैंने पाया कि पानी पीने के लिए जो काउंटर है वो भी बंद पड़े हैं, उनकी भी मशीनें खराब हैं। जिला अस्पताल में इमरजेंसी के अंदर एक भी पानी पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। सर्जिकल वार्ड में पानी पीने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, टॉयलेट गंदे पड़े हैं। सारी सुविधाओं के बारे में सीएमएस को कहा गया है और शासन को भी सारी अव्यवस्थाओं के बारे में अवगत कराया जाएगा। दिनों चुनावी व्यवस्था में हम लोग व्यस्त थे, लेकिन लगातार समाचार पत्रों और टीवी चैनलों के माध्यम से, न्यूज चैनलों के माध्यम से जानकारी मिल रही थी कि जिला अस्पताल प्रशासन बहुत लापरवाही से काम कर रहा है। जिला अस्पताल प्रशासन के द्वारा सीटी स्कैन मशीन खराब पड़ी गई रही, एक्सरे मशीन खराब रही। जब मैं यहाँ आया और मैंने पाया कि यहाँ पर पानी पीने के जो काउंटर्स हैं वो भी बंद पड़े हैं, उनकी मशीनें भी खराब हैं। इमरजेंसी के अंदर एक भी पानी पीने का कोई व्यवस्था नहीं है। सर्जिकल वार्ड के अंदर पानी पीने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, इस पर सीएमएस को बताया गया। टॉयलेट्स गंदे पड़े हैं। इन सारी व्यवस्थाओं को देखते हुए सीएमएस को कहा गया और मैं ऊपर शासन को इससे अवगत भी कराऊंगा कि जिला अस्पताल के अंदर सारी जो मौलिक जरूरत की चीज़ें हैं, इतनी गर्मी के अंदर यदि प्यासे को पानी उपलब्ध नहीं है, पर्ची पे उस पर लाइनें लगी हुई हैं, एक काउंटर बंद पड़ा है, ये सारी व्यवस्थाएं बड़ी खराब पाई गई हैं और इन पर मैं कार्रवाई करवाऊंगा। जो नाले बंद पड़े हुए उनके बारे में निश्चित रूप से नगर निगम के अधिकारियों के साथ भी मेरी आजकल में मीटिंग है और बिजली के अधिकारियों के साथ भी आज मीटिंग है। सब व्यवस्थाओं को पूर्ण कराते हुए सब पर कार्रवाई करवाई जाएगी और शहर को किसी भी हालत में बदहाल व्यवस्था में नहीं रहने दिया जाएगा। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत, नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।